हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज का सफ़र करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए, चेक कर रहे हो जनाब एम्बिएंट लाइट के शशके, पिक्चर्स वगैरह चल रही हैं गाड़ी के साथ, फुल फैन मोमेंट चल रहे हैं। जी निके निके नहीं, बड़े बड़े चा पूरे कर रहे हो, नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। आपको पता होगा इंसान ऐसी हरकतें करते हैं, बट रिम टायर ऐसी हरकत करते हैं और वो भी इतने प्रेशर के नाल। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? चाचू ने शरीका चलाता, वन वन गेम कर देती है। हाँ जी, तो बॉयज एंड गर्ल्स की हाल चाल, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई भी एकदम फिट फाट जबरदस्त है। तो यार, आज की अपडेट कुछ ऐसी कि हम लोगों ने जाना है गुजरांवाला अली रजा भाई के पास, और वहाँ पे हमारी गाड़ी का कुछ काम है। हमारी गाड़ी की फिटमेंट रहती थी, हम लोगों ने अपनी गाड़ी को करना है फाइनली जनाब अब कैम्बर, उड़ा लेने क्योंकि रिम हमारा 9JJ है, बॉडी से बाहर निकल आता है तो गाड़ी डेड ड्रॉप नहीं होती। तो फाइनली अब हम लोगों ने सोच लिया कि हम लोग अपनी गाड़ी को करेंगे कैम्बर। प्लस हम लोगों ने एक नए रिम टायर्स मंगवाए हैं ब्रांड न्यू, वो हम लोगों ने एक गाड़ी में फिट करने हैं जो कि करोला एक्स है। वो कौन सी गाड़ी है वो आप लोगों को इंशाल्लाह व्लॉग में पता चलेगा। बट अभी हमारे साथ एक सीन हो चुका है। सीन ये कि यार गाड़ी बाहर निकाली है, देखा तो गाड़ी का टायर ही फ्लैट है। आप लोगों ने देख लिया यार जो मसला हुआ है, मैं नहीं चाहता मेरे साथ ये दोबारा मसला दर पेश आए। इसके लिए हमने फ्रॉम यूनिक्यो शॉपिंग से एक पैकेज ऑर्डर कर लिया है। ओह नो, हमारे लिए तो कोई इसको चीर फाड़ करने के लिए औजार ही नहीं है, तो अभी मंगवाते हैं। वाह कमाल हो गया जनाब, ये आ गया। अब हम लोग इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, इसकी चीर फाड़। ओके, पैकेजिंग तो जनाब अच्छी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोगों ने क्या मंगवाया है, तो बॉयज ये है हमारा कार कंप्रेसर जिसे आप गाड़ी में हवा भर सकते हो। और जनाब इसमें क्या डायमंड निकल आएगा? ये क्या है पता नहीं, ये तो खाली है। कोई बात नहीं, पाउच पता नहीं इन्होंने क्यों दे दिया। ये इसकी गाइड है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही कि आप लोगों ने इसे कैसे यूज़ करना है तो आप इससे चेक कर सकते हो। ये जनाब आ गया हमारा चार्जर, जैसे कि आप लोग बैटरी के जो सिगरेट लाइटर पोर्ट होती है वहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, इससे आप लोग उसे चार्ज भी कर सकते हो क्योंकि वो एज एन पावर बैंक भी काम करता है। और ये नोजल है। लास्ट और जो फाइनल चीज़ हमारी निकली है, जो मेन इसका कंपोनेंट है जनाब, हेयर इज द कंप्रेसर जो कि जनाब अपना डिजिटल है। अभी इसे हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं जनाब। ये उतारते हैं हम लोग इसका रैपर और इसे ऑन करके देखते हैं कि ये जनाब ऑन होता है कि नहीं। ओके, बैटरी है इसमें, ये हो गया ऑन। बाकी यार इसकी बिल्ड क्वालिटी तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है, तो मैं कहता हूँ गुड हो गया मशरूफ उत्तर। अब फिलहाल क्या कहना है मुझे कोई समझ नहीं आ रही, जो भी होगा अभी आप लोगों को आगे मैं बताता हूँ। फिर हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज का सफ़र करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए, चेक कर रहे हो जनाब एम्बिएंट लाइट के शशके, और ये पीछे आप लोगों को स्टार लाइट नज़र आ रही है। अब आप लोगों ने ये नहीं समझना कि भाई आपके ने आप लोगों से छुपाए बगैर कोई गाड़ी में मॉड कर लिया, कोई हरकत कर ली है। और अगर आपने से कोई ये बात सोच रहा है तो यार बड़ी आप लोग भाई को बेवफा समझते हो। आपको भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का सीन कुछ ऐसा कि हम और जिशान भाई और साथ में इनके फ्रेंड हैं जो कि आपको पीछे नज़र नहीं आ सकते होंगे क्योंकि वो बड़े छुप के बैठे हुए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा अली रजा भाई के पास गुजरांवाला, वहाँ जाके हमने कुछ काम करना है। क्या काम है थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा। yes. बाकी वहाँ पहुँच के जनाब आप लोगों को चेक करवाते हैं। One hour later. यार हम लोग रेस्ट एरिया पे रुके थे जो अपना सुखे की वाला है, और यहाँ पे जनाब स्कूल का है वह कोई ट्रिप, पता नहीं क्यों आवाम है, पिक्चर्स वगैरह चल रही हैं गाड़ी के साथ, फुल फैन मोमेंट चल रहे हैं। हो वे यार, अभी मैं कहता हूँ यार बहुत ज़्यादा मज़े के रिएक्शन आ रहे हैं, और हम लोग इस तरह फील करा रहे हैं कि जिस तरह ये नॉर्मल चीज़ है हमारे लिए ना। ना हंसा साडा बहुत छोट रहा यार, अभी तो बाबे एग्जॉस्ट होता ना इन्होंने पागल हो जाना था। हाँ तो वही, अभी हम लोग Airbnb अली रजा भाई के पास पहुंच चुके हैं, और अली भाई से हम लोग करवाने लगे हैं अनबॉक्सिंग अपने न्यू रिम्स की। मैंने कहा अली भाई खोलेंगे, मैंने अभी तक रिम देखा नहीं है खोल के। हाँ। इन्होंने खोल के देख लिया था। तुसी निके निके नहीं, बड़े बड़े चा पूरे कर रहे हो, नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं।
जबरदस्त रिम है। और फिटमेंट का बली भाई इसकी क्या हिसाब था, बैक कैम्बर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ये तो लगा के पता चलेगा इसका ऑफसेट कितना। जो मेरे वाला है ना नोजे जे ऑल, मैंने आपको दिखाया था, वो भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में गाड़ी लेके आऊंगा। फ्रंट से तो नहीं करना पड़ा, बट पीछे से अभी कैम्बर करना है, वो आपने ही अभी फिटमेंट बनानी है उसकी। बाकी ब्रांड न्यू टायर्स भी हम लोग लेके आए हैं इसके लिए, क्योंकि जो पहले प्रोफाइल लगी थी ना वो लगी है 225/45, तो इस बार है 215/45 ली है, वो स्ट्रेच हो के मैंने कहा थोड़ा बेहतर सीन हो जाएगा, 15/45 ली है। इस मोमेंट पे आप लोगों को अली भाई के रिएक्शन से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ही वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि वो चाहते थे कि हम 205/40 डालें जिस पे टायर अच्छा वाला स्ट्रेच हो और प्रॉपर किनारी के अंदर जाके हमारा फेंडर बैठे। हाँ तो यार रिम आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, इंतहाई यार प्यारा, मैंने भी अभी रिम देखा, रिम माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारा है, इतना पिक्चर में नहीं था लग रहा जितना रियल में प्यारा है। अभी हम लोग जा रहे हैं रिम के ऊपर टायर्स लगवाने, जो कि हम लोगों ने ब्रांड न्यू 215/45 मंगाए थे। अब 205/40 उससे ज्यादा प्यारा लग सकता था, बट 205/40 इसलिए नहीं मंगवाया क्योंकि उसे स्ट्रेच करना पड़ना था आग शाग लगा के, क्योंकि नो जेजे का रिम है, तो वो रोला मैं नहीं था चाह रहा, क्योंकि आउट स्टेशन अगर बंदा जाए वहाँ पे टायर पंचर हो जाए तो वो एक बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सीन बन जाता है। सो फॉर दैट रीज़न 215/45 डाला सुकून से। अभी अली भाई अगली गाड़ी में है और ये काम करवा के फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या लुक निकलती है रिम की। अब बता प्रोफाइल में फर्क है कि नहीं है, ये लो है कि नहीं है? नहीं को पैसा बर्बाद पे। अली भाई कमाल करेंगे उसकी, आप टेंशन ना लो, अली भाई नहीं पाएंगे। अच्छा तो वही यार सीन इस तरह के, जो फ्रंट वाले दो रिम टायर थे वो भी वहीं पे पड़े हैं क्योंकि उसका काम नहीं हो सका। बैक वाले हम लोग जो हैं वो लेकर आ चुके हैं, मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। चेक करो भाई, सबसे पहले तो रिम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है, और हम लोगों ने जो 215/45 प्रोफाइल डाली है वो डालने की यही रीज़न थी। अभी आपने जब टायर ऊपर स्ट्रेच हुआ नोट किया होगा, अब ये देखो इतना इतना पार्ट दोनों साइड से स्ट्रेच है, बट कोई आग वाला चक्कर नहीं करना पड़ा, वैसे ही हो गया। क्या बात है, फुल डेड मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा, सबर करो। रिम हमारे अभी तक नहीं आए, वो अभी जाके लेके आने हैं। मेन जो फिटमेंट का काम था वो बैक वाले रिम्स का था, तो बैक रिम की फिटमेंट हमारी बन चुकी है, दोनों व्हील कैम्बर हो चुके हैं, जितना कैम्बर करना था हमने कर लिया, बहुत ज़्यादा कैम्बर नहीं कर रहे क्योंकि हम नहीं चाहते करोला में वो मसला है, क्योंकि आपको पता है करोला डोलती है, बट अली रजा भाई से अगर आप करवाते हो कैम्बर तो वो मसला नहीं आएगा। अभी हम लोग गाड़ी करने लगे हैं डाउन और आपको दिखाते हैं कि जनाब क्या लुक निकलती है। मुझे तो अभी तक रिम यार बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और ये पड़ी हुई है अपनी ब्लूटूथ है सस्पेंशन। ओए होए 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 माशाल्लाह जबरदस्त, क्या लुक का ये यार, कैम्बर होनी चाहिए यार हर गाड़ी अली भाई, कैम्बर लाजमी करनी चाहिए यार। माइनर सा कैम्बर किया है अभी, बट बहुत प्यारा लग रहा है, रिम की लुक निकल आई है अभी, मुझे लग रहा है कि मेरा रिम भी बहुत प्यारा लगेगा अभी। अब ये 205/40 होती ना तो एक भाई शो ना था। हाँ। के ऊपर ओके,
बट हमने गाड़ी को रखना था डेली ड्रिवन, इस वजह से हम लोग 240 के बजाय 215-45 डाली है। आपको पता होगा इंसान ऐसी हरकतें करते हैं, बट रिम टायर ऐसी हरकत करते हैं और वो भी इतने प्रेशर के नाल। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? ओह माय गॉड, चाचू ने शरीका चलाता 1-1 गेम कर देती है। रहीम, काम शाम हमारा खत्म हो गया है। ओके अली भाई, हलाफिज यार, बड़ी जल्दी आपसे मुलाकात होनी है, काफी सारे काम है, आपको सारे बताए, आप सारे क्लियर करने हैं। डन हो गया, चलें, सही है। हाँ तो यार, अभी सुखे की रेस्ट एरिया पे पहुंच चुके हैं, गुजरांवाला से लेकर ये सुखे की रेस्ट एरिया तक मैंने गाड़ी चलाई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो एक टेंशन थी ना, जो एक बात सुनी थी कि करोला जो है कैम्बर करने पे भाई साहब डोलती है, ऐसे 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 जाती है, वो वाला चक्कर हमारी गाड़ी के साथ नहीं हुआ, तो अब मेरा वो डाउट तो क्लियर हो गया है। तो जिस तरह इस ब्यूटी का हम लोगों ने कैम्बर किया है, तो अब हम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल अदी रजा के पास जाएंगे और अपना भी जो 9JJ वाला रिम है उसको बैक से भी कैम्बर करेंगे और फ्रंट से भी करेंगे। इसमें अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसको हमने फ्रंट से कैम्बर नहीं ना किया, सो फॉर दैट रीज़न गाड़ी जो है ना लो होके नहीं चलती, हमें फ्रंट से गाड़ी थोड़ी उठानी पड़ती है। मैं चाह रहा हूँ हमारी गाड़ी डेड ड्रॉप चले, आगे से हम लोग शील्ड्स भी निकाल देंगे और हम लोग आगे से कैम्बर भी करेंगे, बाकी वो तो आप लोगों को इन फ्यूचर ब्लॉग्स में पता चलेगा। तो बाकी आज की अपडेट कुछ ऐसी है कि अभी यहाँ से जाऊँगा घर, थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जाके सीधा सो जाना है और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या ये ब्यूटी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ भैया आपको? कुछ नहीं। आप क्यों परेशान है? कोई मसला ही नहीं। कोई तो मसला है भैया, आपको देखे आपकी मशूक भाग गई है। नहीं, मशूक की बात नहीं, गाड़ी देख रहे हो? गाड़ी कैसी लग रही है? गाड़ी कैसी लग रही है? गाड़ी इस तरह कर रही है जैसे मेरे दिल के बहुत करीब हो गई है। बहुत बहुत ज्यादा लुक चेंज हो गया माशाल्लाह यार, बहुत प्यारी लग रही है। आये हाय 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 माशाल्लाह।